शिवाय नमस्तो श्री शिवाय नमस्तो। एक इतना बड़ा दर्पण, कांच, इतना बड़ा दर्पण जिसमें मुंह देखते हो, मुख, इतना बड़ा दर्पण लिया। अच्छा, पहले के लोग जानते नहीं है, पहले जो घरों में, आजकल तो फैशन की बंदरवाल होती है, दरवाजे पे जो बंदरवाल लोग लगाते हैं, कहीं मोती की लगा रहे, कहीं काई की लगा रहे, परंतु पहले जो बंदरवाल होती थी, उस बंदरवाल में अगर कहीं कई कई शहरों में, जैसे काशी साइड में, तो आज भी जो बंदरवाल मिलती है उत्तर प्रदेश में, और चलो तो गुजरात में, तो उसमें इतने बड़े बड़े कांच लगे रहते हैं दर्पण। उसका क्या महत्व है, उसकी मूलता क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है दर्पण इतना बड़ा ले लो, बंदर वाला अगर दर्पण वाली नहीं तो इतना बड़ा दर्पण लो, हनुमान जी के मंदिर में जाकर, क्योंकि हनुमान शंकर का ही अवतार है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के उल्टे पांव का थोड़ा सा सिंदूर, चरण का थोड़ा सा सिंदूर एक कागज में लेकर आ जाइए, और हनुमान जी के छोटे भाई, हनुमान जी छह भाई हैं, उसमें गतिमान, हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान का नाम लो, और गतिमान का नाम लेकर उस दर्पण पर सिंदूर से त्रिशूल बना दो, सिंदूर से त्रिशूल बनाकर उस दर्पण को घर के बाहर, दर्पण का मुख बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर मुख करकर दर्पण को घर के बाहर या दरवाजे पर, बिल्डिंग पर, ऊपर जाली में, फ्रंट में, कहीं पर भी उसको लगा दीजिए। महाराज, केवल शंकर का स्मरण कर गतिमान का नाम लेकर हनुमान के उल्टे पांव का सिंदूर का त्रिशूल बनाकर जो दर्पण को लगा देता है, आपको एक महीने के अंदर अंतर मालूम पड़ जाएगा कि पिछले जो महीने निकले हैं उस महीने का अंदाजा लगाना कि घर में लोग कितने बीमार पड़ते थे और इस दर्पण को लगाने के बाद बीमारी कम हुई कि नहीं हो कम तो ठंडा कर देना, क्या जा रहा है, पर करके जरूर देखना, विश्वास रखकर करोगे, भगवान शिव का अनुमोदन कर भगवान शंकर पर विश्वास रखकर करोगे तो बीमारी घेर नहीं सकती। अकाल मृत्यु हो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का। शंकर की आराधना करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव का निवेदन करने वाला, शिव अर्चना में डूबने वाला, शिव का अनुमोदन करने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबा दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।